बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एटेन में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है, अपना वीकेंड अच्छा सा प्लान कीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए और फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, मेरे ख्याल से उससे बेहतर क्वालिटी टाइम कोई नहीं होता। सो अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान कीजिए, वीकेंड को अच्छे तरीके से मनाइए, अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखें तो यकीन माने आपके लिए खुद ब खुद आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। हम आज के प्रोग्राम में जी जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करेंगे। मुझे पता है सब लोग कर रहे होते हैं और आप लोग सिटी 42 लगा के बैठ जाते हैं कि जी आज हमारी बर्थडे विश जो है वो होनी है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हमारा पहला सेगमेंट आपको पता है कि हम खबरें डिस्कस करते हैं और ये खबरें भी आप ही लोगों के इश्यूज़ हैं, आप ही लोगों के मसाइल हैं जो आप हमारे रिपोर्टर्स शहर से इकट्ठे करते हैं और आप लोगों के इश्यूज़ हुकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हम कि आपके मसाइल हल हो जाएं। सो खबरों के बाद कुछ सेगमेंट्स और फिर मेहमान भी हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और आज के स्पेशल मेहमान हमारे साथ डॉक्टर हारून नबी होंगे 11 बजे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे लोग गर्मियों में स्किन केयर की बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहब से बड़ा तो कोई नाम हो नहीं सकता। सो स्किन बर्न का इशू, धूप से जो छाइयाँ पड़ जाती हैं, वो धूप से एक जो आपकी स्किन पे ब्लैक सी छाइयाँ पड़ जाती हैं उसकी आपने केयर किस तरह से करनी है, ये सब चीज़ें हमने आगे चल के डिस्कस करनी है। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा लेकिन सबसे पहले हम आ रहे हैं जी आज की खबरों की तरफ। खबर क्या है? मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त, इमरान खान के हवाले, जमान पाक में तजावजात का सफाया। तेईस अरब लागत का ये प्लान है, वॉल्टन मेन बुलेवर्ड फ्लाईओवर प्लान मंजूर। और जी अद्वियात की कीमतों में 14 से 20 फीसद तक इजाफा, नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। अगर डॉलर की कदर में कमी हुई तो इस सूरत में अद्वियात भी कम होगी। इलाज मुआलजे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार, आगाज जिला अस्पताल से। तो ये हैं आज की खबरें और खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और हमारे सीनियर रिपोर्टर अली दामे ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चल है आपके? सो नाज़रीन, हमने आना है खबरों की तरफ और खबरों में सबसे पहले है जमान पाक से खबर, जहाँ पर तजावजात का सफाया किया गया, मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त इमरान खान के हवाले कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर के पुलिस टीम के हमरा इमरान खान से 1.5 घंटा मुजाकरात हुए, सर्च ऑपरेशन के लिए वारंट दिखाया गया, दहशतगर्दों की मौजूदगी की शवाही दिए, हवालगी का मुतालबा भी किया। अली आपकी खबर है, मुझे बताइएगा तमाम डिटेल क्या है इसकी। देखिए इस पर क्योंकि हुकूमत पंजाब का मुतालबा ये था कि, और इससे पहले आमिर मीर जो कि निगरान वज़ीर इत्तला'आत हैं, उन्होंने कहा था कि जमान पार्क में कुछ मतलूब दहशतगर्द हैं, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो 24 घंटे का टाइम देते हैं। तो उसके बाद फौरी जो कभी मीडिया कारकुनान हमारे दोस्त जो हैं वो जमान पार्क के अंदर नहीं गए, खान साहब की रहाइश गाह पर, उनको फौरी तौर पर बुला लिया गया, उनको दिखाया गया कि ये यहाँ पर दहशतगर्द छुपे, उनको बता दें। वो भी सारे मीडिया वाले गए, उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं है, कैंप मौजूद थे वहाँ पे लोगों के और ऐसे लगता था जैसे वो लोग रात को ही कहीं निकलने भुल गए। खैर अगले दिन जब अल्टीमेटम उनका ख़त्म हो गया, अल्टीमेटम ख़त्म होने के बाद हुकूमती टीम जो है वो वहाँ पे गई जिसमें कमिश्नर लाहौर उसकी सबराई कर रहे थे, कमेटी ने जाके बड़ा खुश उसलूबी से ये काम। हाँ बिल्कुल, देखे प्रॉपर एक तरीकेकार के साथ बिल्कुल SOPs के साथ। अभी उन्होंने कोई सर्च ऑपरेशन किया नहीं है, कोई वो तलाशी वगैरह का मामला भी हुआ नहीं है, अभी जस्ट वो गए थे इंतजामिया से मिलने और खान इमरान खान से मिलने कि वहाँ पर SOPs जो है वो एक क्राइटेरिया उसका तय कर लिया जाए कि आया यहाँ पे सर्च ऑपरेशन का क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा। और दूसरी तरफ PTI का जो मौकफ सामने अब ये आया कि जो 1.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही, उन्होंने कहा कि जनाब हम यहाँ पर आपको सर्च ऑपरेशन नहीं करने देंगे, वो नहीं, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, ये हुकूमत का दावा है। और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब का भी अब हुक्म था कि जनाब जो आपने ये तमाम अतराफ पे तजावजात जो हैं ये फौरी तौर पर रिमूव जो है वो की जाए ताकि वहाँ पे जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो खैर रात भर इंतजामिया ने मशीनें भेज दी, अब इनका एक दावा भी यही था कि अगर तजावजात वो खुद ख़त्म कर दें तो पुलिस की नाका जो है जो चेक पोस्ट वगैरह वो भी तमाम चीज़ें ख़त्म कर दें। वहाँ पर पूरा एक सेटअप बना हुआ था ना, हर चीज़ को बैरियर लगा के उन्होंने कंटेनर लगा के रोका हुआ था,
और उससे शहरी भी परेशान थे। खोखर साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि ये जो सियासत है, इख्तलाफ वाली कोई बात नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से बात सुने। ये जो सियासत है ना, इसका नाम बर्दाश्त का दूसरा नाम सियासत है। हुकूमत को, पीटीए को, दोनों को चाहिए कि वो बर्दाश्त का मुजाहरा करें, कोई लड़ाई झगड़ा, एक्शन, फायरिंग या ऑपरेशन की बात ना करें। जो करें, उससे बढ़कर क्या हो सकता है? जो हो, जो वो मुजाकरात के जरिए हो और जो वो टेबल टॉक पर हो। जो हुआ उससे बढ़कर क्या हो? दूसरा ये कि जो सियासी जमातें होती हैं, इनको मजबूत करने की जरूरत होती है, इनको तोड़ने की जरूरत नहीं होती। और सियासी जमातों को सियासी जमातों के तौर पर ट्रीट किया जाए। बहुत वैलिड बातें कर रहे हैं, मुझे बताएं जो हो गया। हुकूमत को चाहिए कि जो पीटीए की जमात है, पीटीए को सियासी जमात के तौर पर डील करे, उसको दहशतगर्द जमात के तौर पर डील ना करे। वो दहशतगर्द जमात नहीं, सियासी जमात है। जो कुछ हुआ वो सियासी जमातें करती है। नहीं, अगर सियासी जमातों में, आपको याद है, सियासी जमातों में कोई स्टेक एक्टर आ जाते हैं, वो कानून को हाथ में लेकर, तो उनको पुलिस पकड़े। कब कहा उनको ना पकड़े? उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से दूसरे जो बेगना लोग हैं उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, मैं हूं, मैं एक मौजूद शहरी हूं, टैक्स अदा करता हूं, तो मेरे साथ हुकूमत को चाहिए कि टैक्स अदा करने वाला ट्रीट करे। अगर जो टैक्स अदा नहीं करता उसको टैक्स ना देने वाला, टैक्स ना देने वाले को पकड़ लें। बिल्कुल पकड़े। साहब ये क्या बात करें? तो इसलिए जो बर्दाश्त है वो होनी चाहिए, मुजाकरात होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, और एक्शन, ऑपरेशन, ये दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से जो है बर्दाश्त करने और मेरिट पर, और जीएटी जो कल बनी है, जो कल जीएटी बनी है, कल जो जीएटी बनी है, उन जीएटी के जो दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के जो बेगना नाम शामिल कर दिए गए हैं पर्चे में, जो मौके पर नहीं थे, उनको जो जो गुनाहगार है उनको गिरफ्तार करें, उनको जेल में भेजे। मेरी बात सुने ना पूरी, जो गुनाहगार है उनको पकड़े, उनको जेल में भेजे, उनको केस इतना मजबूत करें कि अदालत उनको सजा देने पर मजबूर हो जाए। लेकिन जो बेगना है, या अगर किसी का बेगना, किसी वजह से किसी का नाम शामिल, किसी लीडर का, बेशक कोई हो लीडर, उसका नाम बेगना पर शामिल कर दिया गया, तो वो निकलना चाहिए एफआईआर से। लेकिन जो गुनाहगार है उसको पकड़ना चाहिए। ये मेरा मौका है। आप तक अभी कितने बेगनाओं ने रब्ता किया हो कि जनाब ये हमारे बेगना लोग गिरफ्तार किए? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इस हवाले से जो थाना शादमान में जो पर्चा दर्ज हुआ है, या थाना वो सर्वर रोड में दाखिल हुआ पर्चा दर्ज हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग भी उस पर्चे में शामिल हो गए जो मौके पर। शादमान में पर्चा दर्ज होने की तो बात करें, थाना शादमान पे जो धावा बोला गया, जो सर्विसेज पे धावा बोला गया, उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? साहब देखें, उसका वो बेगुनाह लोगों ने किया था, उसका कानून के मुताबिक ट्रीट होना चाहिए ना। तो कानून के मुताबिक होकर साहब ट्रीट करेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं। देखिए, आपको छोटी सी बात देता हूं, जियो फेंसिंग करके लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, जिना उस पर हमले नहीं किया, तो आप उसको शामिल कर लें कि ये उनका लीडर था, इसको हमने डिस्क्वालीफाई करना है, इस जमात को हमने तोड़ना है। तो सियासी जमातों को तोड़े ना, सियासी जमातों को तोड़ने वाली तो बात ही खबर साहब नहीं हुई, ये तो आप कर रहे हैं। सियासी जमातों को मजबूत होने की खबर, कल खबर चली मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि लीडर साहब ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, हम बात कहने जा रहे हैं ना, मार्शल आ जाएगा। खोखर साहब, अब जो सियासी जमात खुद छोड़ के जा रहे हैं, उनको कैसे रोके, कौन रोके? वो छोड़कर बड़ा बात है, मियां नवाज शरीफ का बड़ापन आप देखें। वो लंदन से कल एक खबर चली, उन्होंने कहा है कि हम तरीके इंसाफ पे किसी किस्म की पाबंदी के हामी नहीं है। पीटीआई ने क्या नहीं किया उनके साथ? देखें, उस वक्त तो मियां साहब के साथ तो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट दोनों उनके मुखालिफ थी। खान साहब तो खुश नसीब है, अदलिया से उनको रिलीफ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर बड़ा कौन हुआ? ये वही जरदारी साहब कहते होते थे कि जनाब हमने बड़े, आज आज वो सोशल मीडिया के ऊपर ये खोखर साहब, वो चीजें वायरल हो रही है, सहाफत में नहीं, ये चीज पता होना चाहिए सियासतदानों के साथ क्या क्या सलूक हुआ। अब वो देखे ना, उन्होंने उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि हमने बड़े नैब देखे, जब आप देखेंगे आपके साथ क्या होगा। अदालत होती है ना, हाथ छोड़ दे, ऐसा लग रहा है मुझे। अदालत होती है ना, उसका फैसला सुप्रीम होता है, और अगर अदालत ने नवाज शरीफ को सजा दी है तो वो अदालत के जरिए माफी होनी चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव के जरिए माफी नहीं। तो यहाँ खोखर साहब अदालत रिलीफ दे रही है, अगर इमरान खान को अगर अदालत रिलीफ देती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसका ये मतलब है कि अदालत का था, अदालत के फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते। हम अदालत के फैसले को कब चैलेंज करें? अपील कर सकते हैं, हम कब कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं, आप इंटर कोर्ट में जाए, आप सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जाए, ये आपका हक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते अदालत ने गलत किया, ये अदालत का हुक्म हमें मानना चाहिए। हमारे अदारे अगर मजबूत हो गए तो मुल्क मजबूत होगा, फौज मजबूत होगी, यही तो मजबूत होगा। अगर फौज यही किसी और जमात की तरफ से, पाकिस्तान यही किसी और जमात से किया होता तो मैं देखता उसका लीडर
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अली, यही पता नहीं आप कुकर साहब किसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो किसी को सपोर्ट कर नहीं रहे, मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैं कहता हूं किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए, साफ होना चाहिए और फेयर एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए। इसमें इसमें कोई शक नहीं है, किसी के साथ किसी के साथ जाति ना, अदालत का फैसला जो है देखिए सिंपल सी बात को मानना चाहिए। अगर इंतजामिया को अदालत का फैसला मंजूर नहीं है तो उसके खिलाफ अपील के लिए हाई कोर्ट मौजूद है, वहाँ चले जाए। अब तक इंतजामिया अदालत का फैसला मान रही है खोखर साहब, लेकिन जो कुछ हुआ आप उसको ये ना कि सियासी जमातें ये नहीं करती है। 9 मई को खोखर साहब जो हुआ इसका दिफा तो मुमकिन है ही नहीं ना, आप उसको उसका दिफा नहीं कर सकते, ये गलत बात है। किया गया है या आपके मुल्क पर 70 सालों में मुझे बताएं आपकी साफ़ती कैरियर में कभी इस तरह का किसी सियासी जमात ने हमला किया? किसी सियासी जमात का ये रहा, लीडरान भी गिरफ्तार हैं, सलामती केदारों के आप ऊपर हमला कर रहे हैं, पर्चे दर्ज हो चुके हैं, ट्रायल हो रहा है, उसका फेयर एंड फ्री ट्रायल आप करें ना, आप उसका मीडिया ट्रायल ना करें, उसका फेयर फ्री ट्रायल करें। आप कह रहे हैं कि आप किसने किया, एक साइड की बात करते हैं, दोनों साइड जब कानून मौजूद है, जो जमानत बार का ऑपरेशन हुआ, एक मिनट मेरी बात पहले सुने, जब कानून मौजूद है, अदालत मौजूद है, तो फिर उसका आप फिर ट्रायल करें ना, आप उसको खुद आप अदालत नाना लगा लें कि मैं अदालत बन जाती हूँ या मैं एंकर हूँ तो मैं अब इसका मीडिया ट्रायल शुरू कर दूं, मैं तो बहुत आराम से बात कर रही हूं, मुझे तो आप लग रहे हैं जानिदार भी अपने आप को कहते किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये फैसला फेयर एंड फ्री ट्रायल के लिए होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और फैसला अदालतों में चला गया, केस अब पर्चे दर्ज हो चुके हैं, अदालतों में केस चला जाएगा, अब अदालतों में सोफे में थोड़ा सा डिस्टेंस कराना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है खोखर साहब आपकी बात ठीक है, आप बिल्कुल देखे आप मीडिया ट्रायल की आपने बात की, मीडिया ट्रायल अगर जमान पाक की बात करते हैं तो जमान पाक में शुरू किसने किया? खान साहब ने दावत दी तमाम मीडिया, आपको गुलेले भूल गए, खान साहब ने मीडिया को दावत दी। नहीं मैं आ रहा हूँ ना, अदलिया के पास जाए नजरसानी के लिए ठीक था, अदलिया के पास है, अभी आज अदालत ने आशियाना स्कैंडल में वजीर आजम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है, तकरीर कर रहे हैं कि मेरे 14 बंदे मर गए, उनका अभी तक एक बंदे का सजा नहीं मिली, एक बंदा मुल्जम जो जेल में नहीं गया, 14 बंदे मर गए, और ये इतनी बड़ी लाकानूनियत, इतनी बड़ी बर्बरियत का मजारा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो नून लीग ने भी किया था, वो क्या था फिर, वो वहां अदलिया को क्यों नहीं पूछते आप? अब अदलिया किधर है? अदलिया में किसी ने कोई नजरसानी केस दायर किया? वो केस ही उसका ट्रायल नहीं हुआ, और सारे बरी हो रहे, पुलिस वाले सारे बरी हो रहे हैं जिन्हें पुलिस वाले ने कत्ल किया। खास साहब की अपनी हुकूमत ही, आपने क्यों ट्रायल नहीं करवाया? आप ट्रायल करवाते, अब यहाँ पे अदलिया का सवाल कहाँ पे उठता? अब देखें आप ये भी आज क्लीन चिट आपको दे दी है, जो एक मजहबी जमात के साथ हुआ क्या वो ठीक था खोखर साहब? 374 पुलिस एहलकार, 76 पुलिस एहलकार उन्होंने जख्मी किए थे, क्या वो अब उस पे आपका जानेदार उन लोगों के कारकुनान मारे गए, क्या वो ठीक था खान साहब के दौरे हुकूमत में? वो सही हुआ था, अब इस तरह तो अब खामोशी खोखर साहब, दोनों साइडों पर बात करें, अगर हाँ आप ये कह सकते हैं कि तरीके इंसाफ के साथ उससे बढ़कर हो रहा है, बढ़कर हाँ। क्यों हो रहा है? उसकी वजह के 9 मई बीच में आ गया, नौ मई का दिफा नहीं किया जा सकता खोखर साहब, इसको ये हो इसलिए रहा है कि नून लीग पीटीए के खिलाफ इसलिए कर दिया कि पीटीए के पास एक आवाम का मैंडेट है, उनको फियर है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो 2-3 सीट से पीटीए जीती है, लिहाजा इसका रास्ता रोको, इसको सियासी जमात के तौर पर बैन करो, इसके लीडरों को अंदर करो, इसके लीडरों को अदालतों से सलाह दिलाओ ताकि ये आगे ना आए। ये बात गलत है, असल बात जो है ये फैसला बैलेट होना चाहिए, बैलेट के जरिए होना चाहिए, और ये बात उनकी ठीक है कि असल मकसद यही है, लेकिन असल मकसद में क्या 9 मई था उनके अंदर? मैं 9 मई की प्लानिंग कह रही हूं, 9 मई तो नहीं था उसके अंदर, मंजरे आम पर आई है वो नून लीग ने कराई है, 9 मई तो प्लानिंग में नहीं था ना, इससे पहले आप कह सकते हैं कि उनकी प्लानिंग यही कि इलेक्शन को डिले करें ताकि पीछे को हराया जाए, लेकिन आप जो 9 मई को छोड़ के आप ये सारी बातें करें खोखर साहब, आप वन साइडेड हो जा रहे हैं, पता नहीं शायद आपको पीटीआई के सपोर्टर आपका कोई निकल आया, आप दोनों चीजों को मद्देनजर रखें। आपने जो बात की फ्री ट्रायल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बेगुनाह लोगों पे अब वज़ीर-ए-आला पंजाब 3-3 दफा आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं, अब उनको जो नाम आ रहे पुलिस ने अरेस्ट करने ही करना है, अब उसके बाद उन्होंने इंटेरोगेट करना है, इंटेरोगेट में अगर वो बंदा साबित हो गया तो उस पर वो ट्रायल शुरू करेंगे। अब इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज है कि आप जो कोर कमांडर हाउस तक जाने वाले लोग हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग हैं, आउटसाइड वालों को सजा डिफरेंट होनी है, उससे पहले पीछे वाले जलाओगर उनको सजा डिफरेंट होनी है, सियासी जमातों की तारीफ
किसी एक के कहने पे, किसी एक के कहने पे आप सारा मुद्दा डाल के हुकूमत पे डाल दें, ये गलत बात है। अब हम जी ब्रेक के बाद आगे जमात को वो बैन शैन नहीं कर रहे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट थोड़ा सा कायल हो गए खोखर साहब हमारी बात से। नहीं, शायद वो किसी से आज डोज लेकर आए हैं पीटीआई वाली, मुझे लग रहा है। ये तो अब ब्रेक में हम पूछेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदीद, आपको एक बार फिर से कहेंगे सियासी गर्मा गर्मी स्टूडियो में इस कदर बढ़ गई है कि एसी की हवा नहीं लग रही और मैं चुप थी, परेशान थी। और अभी तक दोनों रिपोर्टर्स का अपना स्टांस है, दोनों अपनी अपनी बात पर कायल है, लेकिन आज खोखर साहब में से एक अलग सा रूप सामने आया है। पता नहीं वो कौन सा रूप है, मैं अब नहीं पता उसको छेड़ रही, मैं नहीं उसको छेड़ी। जो ये जर्नलिस्ट वाला रूप नहीं है, जो खोखर साहब ने जो इल्जाम लगाया उसको भी मैं रिपीट नहीं करूंगी। आई डोंट नो वो इल्जाम है कि वाकई हकीकत का रूप धार चुके हैं खोखर साहब, लेकिन अब उसको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। अब आ जाते हैं शहर में जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर। 23 अरब की लागत, वॉल्टन मेन बुलेवर्ड फ्लाईओवर प्लान जो है वो मंजूर हुआ है। सीबीडी फेज 2 के PC1 की मंजूरी, रेलवे लाइंस के नीचे अंडरपास, बाबे पाकिस्तान वॉल्टन से लाहौर ब्रिज को मिलाने के लिए नया फ्लाईओवर बनेगा। अली, ये जो अभी ब्रिज बन रहा है इसकी बात हो रही है, इससे मिलाया जाएगा? हाँ जी, इससे मिलाया जाएगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि वॉल्टन रोड पे अगर आप सफर करें ना तो वॉल्टन रोड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी एक्सटेंशन की। तो अब इस पर शबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने एक तकरीब भी यहाँ पे रखी थी वॉल्टन रोड के एक्सप्रेस वे बनाने की, तो मुख्तलिफ उनके जो प्रोजेक्ट्स उसके अंदर शामिल थे, तो बाकायदा उनको ब्रीफ किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट वाकई वॉल्टन वाली साइड के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ट्रैफिक जो है वो मुख्तलिफ अतराफ से आ रही होती है, आपकी DHA की कैलवी ग्राउंड से है, और जो मुल्हिका यहाँ पे पीर कॉलोनी है, और भी दीगर यहाँ पे एरियाज जो हैं वो शामिल हैं, तो उनको एक अच्छा रोड यहाँ पर मिल जाएगा। अब वहाँ से आने वाली जो ट्रैफिक है उनके लिए बहुत मुश्किल है। आए रोज़ जब बारिशें होती हैं ना तो सबसे ज़्यादा पानी अगर एक जो कोर सोर्स एरिया है लाहौर का वो वॉल्टन रोड है, इतना पानी यहाँ पे जमा होता है, तो लिहाजा इस रोड को बहुत ज़रूरत थी एक्सटेंशन की। अब यहाँ पर जो इन्होंने प्लान बनाया अंडर पास और फ्लाई ओवर का, अब ये CBD क्योंकि CBD के हवाले किया जा रहा है चीज़ों को। CBD जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वॉल्टन वाली साइड पे, अब इन चीज़ों को ये साथ मिला के बाबे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट भी आ गया वहाँ पे। अब बाबे पाकिस्तान से वॉल्टन को यहाँ पे ये मेन रोड आपका फकीम टावर वाला जो ब्रिज है इसके साथ इसको अटैच कर देंगे, इससे देखें आपका ट्रैफिक का फ्लो जो है वो कितना कम हो जाएगा, जाने वाले का भी और आने वाले का भी। और जो दूसरी तरफ क्योंकि हम ये बना रहे हैं पूरा एक बिजनेस हब, ये वॉल्टन वाली साइड का जो वॉल्टन ओल्ड एयरपोर्ट था, तो उस बिज़नेस हब को मद्देनज़र रखते हुए ये फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है कि ताकि यहाँ पे जो ट्रैफिक का एक दबाव है उसको कम हो किया जाए। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, दुआ ये बस। नहीं, अगर CBD के अंडर है ये भी तो मैं एक मिसाल देख चुकी हूं ना। CBD के अंडर अच्छा जो जो प्रोजेक्ट रहा हाँ, है कामयाब रहा है। वो क्यों 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 कामयाब रहा है? ऊपर से प्रेशर था। एग्जैक्टली, आपका प्रेशर काम करता है कि आप प्रोजेक्ट को कितना जल्दी मुकम्मल करवाते हैं। इसमें नो डाउट CBD डिड अ गुड जॉब। नहीं लेकिन एक रिवायत जो हमने यहाँ देखी कि आपका एक मंसूबा मुकम्मल होता है उसके साथ ही नकाइस निकलना शुरू हो जाते हैं, सामान वहीं पड़ा है, आधा काम हुआ, आधे में इफ्तिताह हुआ, यहाँ पे ये रिवायत नजर नहीं आई है। कमल, देखिये प्रोजेक्ट में CBD इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हमने प्रैक्टिस देखी थी गुजरात दौरे हुकूमत में कि प्रोजेक्ट्स को डिले किया जाता रहा था। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में लगाई गई, काम मुकम्मल नहीं था। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो नहीं था खास और लाहौर के अंदर, सूबे के दीगर इलाके की तो बात की जा सकती, जो लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट थे उसमें तो डिले गया तो समझो वो असर ही गया। ऐसे ही है। अब ये हमारा ब्रिज बन रहा है ना अरफा क्रीम टावर के पास लाहौर ब्रिज, इसमें डिले एक लेस्को की वजह से आज उन्होंने उड़ा दिया उस बंदे को, वेस्ट ही कर दिया। कि आपका एक प्लान ही नहीं तैयार हुआ, ब्रिज जो है वो डिले किया, और इसमें हमारे वजीर अला पंजाब का भी किरदार बहुत अहम है। वो आए रोज इनके फॉलोअप लेते हैं, ऐसे ही। वो चले जाएंगे शाहदरा, चले जाएंगे वो गोचन, चले जाएंगे और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 3-4 प्रोजेक्ट्स हमारे बन रहे हैं ना वो वहाँ पे जाके विजिट करते हैं, चेक करते हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है और उनको एक टाइम लाइन दिया जाता है। प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है और रोड का, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हमारे रोड्स का ऑडिट करके कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना वो बनाए, रोड की सेफ्टी का प्लान बना के रोड को बनाया जाए। ये नहीं कि हमें मुंह चुक के प्रोजेक्ट बना दें। हमारे बेचते हमारे अन्य प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ 5-5 साल की प्लानिंग के। सही कह रहे हैं यार, आप कम से कम 50 साल की तो प्लानिंग करो ना, मतलब 10 साल बाद यही प्रोजेक्ट इसकी एक्सटेंशन करनी पड़ जाएगी। टाइम जिस तरह से गुजर रहा है बिल्कुल, बस ये है कि अब इसका प्लानिंग का डिज़ाइन जो है ना वो कोई बड़े अरसे का होना चाहिए। खोखर साहब सदमे में तो नहीं चले गए? बिल्कुल, इस हवाले से मैं बताऊँ कि ये जितने प्रोजेक्ट है सारे लाहौर के, सारे PTI के हैं।
ये लाहौर के क्यों बन रहे हैं, दूसरे शहरों के भी बनने चाहिए। अब देखिए ये 23 अरब रुपए का बजट, पहले अकबर चौक फ्लाईओवर है, फिर वो एक बाबू साबू फ्लाईओवर बन रहा है, फिर गुलशरावी अंडरपास बन रहा है, फिर तलत पार का पास बन रहा है, ये सारा बजट लाहौर पर ही लग रहा है। सारी पूरे पंजाब की आबादी लाहौर में आ जाएगी या लाहौर के लोगों को सांस लेना यहाँ मुश्किल हो जाएगा, दूसरे शहर जो है उनको आबाद करें। चार दौरे हुकूमत में जो लाहौर के साथ हुआ वो आपको पता है? जी बिल्कुल, तो दूसरे शहरों को भी आबाद करें, वहाँ भी तरक्याती काम करें, वहाँ भी जो पैसे ताकि बजट जो है बजट बजट तकसीम जो है उसमें हकीकत नजर आना शुरू होगी। ऑल्दो मैंने अली बजट की तकसीम वापस चाहिए, बावलपुर वापस, बजट की तकसीम बुरे वाला वापस चलते हैं। मैं दीपालपुर उकाड़ा जाता हूं, आप उधर बजट की, हम लोगों ने आगे तबाह किया होनी तो। चाहिए बजट की तकसीम इक्वली होनी चाहिए और तमाम सूबे के बजट की तकसीम कोकर साहब ऐसे नहीं होती, माफ माफ कीजिएगा आप सीनियर जर्नलिस्ट है, बजट की तकसीम पॉपुलेशन के मुताबिक होती है सर, ऐसे ना किया करें। आप आबादी देखें ना, आप जिले की आबादी देखें, फैसलाबाद के प्रोजेक्ट एडीपी निकाल के देखें, मुझसे पूछे आप मुल्तान देखें, मुल्तान मुल्तान को कितना बजट दिया जाता है, 15 अरब रुपए का, 15 अरब से जायद का बजट है मुल्तान के लिए, 15 अरब यहाँ 15 अरब का, साउथ पंजाब को 250 अरब रुपए, साउथ पंजाब को 250 अरब रुपए का बजट में जो बजट की तकसीम हुई आप उसको आबादी के तनासुब से बजट का इंतखाब होता है। बात साहब बुजदाद दौर में जो 4 साल थे उसमें जो जनूबी पंजाब को अहमियत दी, तो पिछले 20 सालों में जो नून लीग की जब हुकूमत पूरे पंजाब में रही तो उसमें लाहौर में जो बजट खर्च हुआ वो भी तो मेरे साफ करे ना, लाहौर की आबादी आपने देखी, सारे सारे लाहौर में बढ़ रहे हैं, सारे यूनिवर्सिटियां लाहौर में बढ़ रही हैं, सारे तलीमी इदारे लाहौर में बढ़ रहे हैं, सारा वो लाहौर का, अब चिल्ड्रन अस्पताल जो है फैसलाबाद में नहीं है, पिंडी में नहीं है, सरगोधे में नहीं है, सारे पेशेंट जो है लाहौर में, हॉस्पिटल फैसलाबाद में नहीं है, यूनिट है वहाँ पर कायम किया हुआ है ना, वो सारा सारे पेशेंट जो है लाहौर में आते हैं, अब दिल वाला अस्पताल जो है वो लाहौर में, मुल्तान में चले मुल्तान में बना है, छोटा सा यूनिट बनाया है दिल वाले अस्पताल का, चौधरी परवेज इंस्टीट्यूट, सारे जो लाहौर में बना रहे हैं, अब सूबे के दूसरे शहरों को भी आबाद करें ताकि आबादी जो है वहाँ भी जॉब की सहूलतें हो, एजुकेशन की सहूलतें हो, हेल्थ की सहूलतें हो वहाँ भी। अब ये देखें अब अभी आप बाहर निकलेंगे ना, अब आप छुट्टी होगी, आप छुट्टी होगी ट्रैफिक में फंस जाएंगे ना, सुबह जाते हुए बाहर निकलेंगे ट्रैफिक में, सुबह ट्रैफिक में फंसे होंगे, सारा लाहौर खा गया, सारी लाहौर की सड़कें तबाह कर दी, लाहौर में कोई प्रोजेक्ट बनने नहीं रहा। फिर कोकर साहब ये कोकर साहब तबाह हमने किया, हम जो आउटसाइड से ट्रंक किए आए हुए हैं, फिर हम वापस चले जाएं करो, कोकर साहब लाहौर आपको सुन बड़ा शहर है, इज अ कैपिटल सिटी ऑफ सुपर, बिल्कुल, लेकिन बजट दूसरे शहरों को भी दे दे, बजट दूसरे शहरों को कोकर साहब जाता है जाता है, लेकिन वहाँ पे मसला ये है कि हमारा इंप्लीमेंटेशन का जो स्टेटस है वो बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है, अराकीन असेंबली को बजट दिया जाता है लेकिन वहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। साउथ पंजाब के साथ हमेशा यही सलूक हुआ है, साउथ पंजाब के नाम पे बजट जो है वो बहुत बड़ा फिगर बना के रखा जाएगा, जब यूटिलाइजेशन प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी तो वो वहाँ पे मुकम्मल नहीं होता काम, फिर सवालिया निशान तो हमारे वहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनसे करना चाहिए, आवाम उनसे पूछे ना कि आपके नाम पे कितना बजट वहाँ पे आता है, क्या वो वहाँ पे यूटिलाइज होता है या नहीं होता। अब उकाड़ा को या साहिवाल को या बुरे वाले को जो बजट दिया जाता है ये तो मुतलका एमपी एमएलए ने पूछना चाहिए, खोकर साहब के अंदर पता नहीं क्या चीज आज जाग गई है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लाहौर के खिलाफ हो गए या हमारे खिलाफ हो गए। आप ठीक है आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन आप जानबदार नहीं हो सकते, आप गैर जानबदार होकर अपना तजिया दें, आप ये नहीं कि आज जिसके साथ बुरा हो रहा है कल जिसके साथ उसने बुरा किया था आप उसको छोड़ दो, वो इंतकाम आप ना लें, इंतकाम क्यों लेते हैं तो भाई, इंतकाम नहीं होना चाहिए, आप यही नहीं होना चाहिए कि मेरा, आप इंतकाम अगर मेरे साथ कोई ज्यादती करता है तो मैं कल को ताकत में आता हूं तो मेरा ये हक नहीं पूछता कि मैं उसके साथ ज्यादती करूं, मेरा ये हक है बर्दाश्त करूं, अभी बर्दाश्त का इस्लाम का जो लेसन है पहला कि बर्दाश्त इस्लाम बर्दाश्त का सबक देता है, और इस्लाम आपको पता हमारे पैरों में भी कहा था कि मैं किसी के खिलाफ इंतकाम नहीं लूंगा, अपने खिलाफ अपने मुखालिफिन को मैं माफ करता हूं। और यहाँ पर माजरत के साथ जिन्होंने रियासत मदीना की बातें की उन्होंने क्या जिसके साथ हो रहा है वो यही कह रहा है मुझे इख्तदार में आने दे मैं देख लूंगा तुम्हें, यही है ना सारे, जब वो यही कह रहा है तो वो फिर अगले कैसे बर्दाश्त करेंगे। ऐसे हम ब्रेक ले लेते हैं, आज तो सूरत हाल मुझे खासी गर्मा गर्मी लग रही है, पता नहीं क्या होने वाला है, अगली खबर थोड़ी सी लाइट रखेंगे ब्रेक के बाद आपके साथ हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डॉलर की कदर में कमी की सूरत में अद्वियात की कीमतों में कमी की जा सकती है, अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। खोकर साहब मैं आपकी तरफ ही आऊंगी, आप बेफिक्र, सारा शो खोकर साहब को दे दें, मैं तो परेशान हूँ कि अब इसका जिम्मेदार कौन है जो अद्वियात की कीमतों में होशुबा इजाफा हो गया। दूसरा मुझे अब यकीन माने लगता है कि ये अद्वियात भी अली ठीक नहीं है, आप कोई भी मेडिसिन खा लें
कोई असर नहीं है उसका। इस पे कोई चेक एंड बैलेंस रख ले, खुदारा महंगी अद्वियात यहाँ पे लोग खरीदने को तैयार हैं, किसी भी बीमारी की सूरत में जो दवाई आप ले रहे हैं उससे आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, आपकी दर्द वैसे के वैसे है। अब जितने पेशेंट आप देख लें, जिस मर्ज की दवाई ले लें, दवाइयों में वो असर नहीं है। खोखर साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो आपने डॉलर की कीमत कहा कि वो ज्यादा डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, आप फिर सियासी बात करने लगे। मैं आपको बताऊं कि तुर्की जो था, तुर्की में डॉलर बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, जिसकी वजह से तुर्क आवाम जो है, कौम जो है, वो परेशानी में मुब्तला हो गई। डॉलर महंगा हो गया और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, हर चीज की कीमत बढ़ गई थी, तो तुर्क कौम ने फैसला किया कि डॉलर का बाइकॉट कर दीजिए। अब जो हमारी हुकूमत है वो सारा इमरान खान के खिलाफ जो फोकस कर रही है, उसको चाहिए कि डॉलर का बाइकॉट कर दे, और डॉलर आप खरीदे ना बाजार से, डॉलर दफा करें, मार्केट में पड़ा रहे। इमरान खान की हुकूमत में डॉलर का बायकॉट हुआ? नहीं, वो नहीं हुआ था, ये कर दें। अगर उसने गलत काम किया कि डॉलर का बायकॉट नहीं किया, तो उसने गलती की, तो ये उसको अदाला करे, ये डॉलर का बायकॉट करे और डॉलर को खरीदे ना। और जितने लोगों ने डॉलर खरीदे हुए बिल्कुल, ये जितने सियासतदानों ने डॉलर खरीदे हुए हैं, या जितने सरमायादार या सनअतकार या ताजर जिन्होंने डॉलर खरीद कर अपनी तिजोरियों में, लाकर में, घरों में, लाकर में रखे हुए हैं, उनको चाहिए कि डॉलर जो मार्केट में बेच दे, डॉलर को दफा करे, डॉलर को इग्नोर करे, डॉलर खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, इसका यही हाल है। वरना डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी, दवाइयों की कीमत आप जाएगी, दवाइयों की कीमत की डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी, पेट्रोल महंगा होगा। आपको पता है पेट्रोल सारा 2000 रुपए का मेरा डेली पेट्रोल का खर्चा आता है गाड़ी का, और सारी तरह पेट्रोल पर खर्च हो जाती है, और जो सरकारी मुलाजिम है उनका दूसरा खर्चा होता है। डॉलर की कीमत की वजह से कागज की कीमत बढ़ जाती है, डॉलर की वजह से महंगाई बढ़ रही है, डॉलर की वजह से हर चीज की कीमत बढ़ रही है। अब डॉलर की वजह से हर चीज की कीमत बढ़ रही है, अब डॉलर का बायकॉट करें, इसके पीछे कोई और रीजन है ही नहीं, यही वजह है। ये अपना दुख उनका जो दुख उन्होंने बाहर निकाला, ये दुख उनका बिल्कुल ठीक है। जो हमने उन्होंने पेट्रोल की बात कर दी, मैं इनकी बात से अग्री हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई मैंने कोई अल्फाज जो है वो बुरा इस्तेमाल किया हो। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इससे पहले आपको महंगाई कभी महसूस नहीं हो रही थी, इससे पहले महंगाई कभी महसूस नहीं हो रही थी, अब आपको महंगाई महसूस हो रही है। अब देखें कोकर साहब, अब जब ये बात आपकी ठीक है कि वो एक सियासी इंतकाम के ऊपर लगे हुए, उनका फोकस अगर नहीं है तो आम को रिलीफ देने में नहीं है। अब उनका मुद्दा ये खोकर साहब, उनकी सियासत जो ना इस वक्त वो खान साहब ने जकड़ दी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अपनी पॉलिसियों की वजह से, अपने करतूतों की वजह से अपनी सियासत उन्होंने दफन की हुई है। इस टाइम उन्होंने अपनी सियासत को जिंदा करने के लिए एट द एंड आवाम को रिलीफ देना है, बस वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चीज़ उनको जैसे उनके हाथ लगी ना, फिर देखिएगा पेट्रोल को कैसे सस्ता करते हैं और आपकी चीज़ें किस तरह सस्ती होती हैं, फिर मैं देखता हूँ ये माफिया जो है वो कंट्रोल करता है या नहीं करता। सही कह रहे हैं। अब बात कर रहे हैं डॉलर की, आप इन लोगों ने आके इंपोर्ट को कंट्रोल किया, इंपोर्ट पर बैन लगाया, कितने डॉलर इन्होंने जमा किए, इस बात नुकसान हुआ, लेकिन इन्होंने डॉलर जमा करके अपना लोन की पेमेंट जो है वो अपने पास रिकवर की हुई है। इसहाक डार साहब ने ऐसे नहीं कहा कि IMF मुआहदा करता है, करे नहीं करता तो ना करे, आप उसके पीछे जाएं कि उसकी ये रीजन क्या है उसकी ये स्टेटमेंट देने की। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आखिर उनके पास कोई सपोर्ट है कि कहीं से उनको पैसा आने वाला है? वो इस उम्मीद से हैं कि जनाब ये पैसा आएगा। आम आदमी की बात करनी है, एक मिनट। आयशा वाइंड अप करने का कह रही है, वो अद्वियात जिनकी क्वालिटी की मैंने बात की, वो अद्वियात जो आम आदमी जब खरीदने जाता है हर घर में, ये तो हमारा जो एक कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ, एक अथॉरिटी बनाई हुई है, उनका क्या किरदार है? मसला यही है कि जब सियासी लोग, उनका माइंडसेट, उनका टारगेट किसी और की तरफ हो, तो फिर अपनी जो महकमाना एक कारगर्दगी होती है सूबे की या वफाक की, वो उसकी ऊपर मॉनिटर ही नहीं करते। भाई आप चेक एंड बैलेंस करें कि आया अद्वियात में इस तरह की चीज़ें क्यों इस्तेमाल हो रही हैं, क्यों आप चेक एंड बैलेंस नहीं करते? हमारे मुल्क के अंदर माफिया जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बस यही बात है। मिलावट, हाँ इसी पे बात खत्म कर देते हैं कि माफिया के आगे सभी ने सर तस्लीमे खम कर लिया है। ब्रेक के बाद अगली खबर हमारे साथ ही थी। वेलकम बैक वंस अगेन। एक तरफ हमने बात की अद्वियात महंगी होने की, अद्वियात की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होने की, दूसरी तरफ जी मैं पहले इस चीज़ को समझूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ये है क्या, फिर देखते हैं कि ये अच्छा एकदम उठाया गया है या नहीं। जिना हॉस्पिटल से इसका आगाज किया जा रहा है, इलाज मॉलजी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया गया है। अली जरा समझा दे क्या है ये।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मैं तो पहली दफा देख रहा हूँ कि आपके सरकारी हॉस्पिटल में ये काम शुरू हो गया। मैं परेशान हूँ। पहले एक रोबोटिक वाला सिस्टम आया था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल है, लेकिन फिर सवाल ये निशान है कि क्या हमारे यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी को कोई समझने वाला है, कुछ समझने वाला है कि आप उस तरह इलाज में वाज के भाई आप ये टेक्नोलॉजी छोड़े, आप गरीब आदमी को मैं यही कहने वाली थी कि बात आप है सिर्फ इलाज हर किसी की दस्तरस में ले आए, किसी को नहीं है इस चीज से गर्व, उनको हमें इतनी जिद्दत की जरूरत नहीं है, हमें इलाज ले दे बस। मैं इस प्रोग्राम की विस्तार से निगरान हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि अस्पताल में जितने पर्ची के पैसे होते हैं, टेस्टों के पैसे होते हैं, ऑपरेशन के पैसे होते हैं, सर्जरी के पैसे होते हैं, वो सारे फ्री कर दे ताकि जो गरीब बंदा जो फ्री इलाज करा सके। निगरान हुकूमत ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में जो काम कर रही है, ये लैब के जो पैसे होते हैं ये भी फ्री करे, सीटी स्कैन के पैसे फ्री करे, एमआरआई के पैसे फ्री करे, सब कुछ फ्री होना चाहिए। सरकारी अस्पताल में हर चीज फ्री होनी चाहिए। बहुत काम करना चाह रही है हुकूमत, लेकिन कहां से करे। ना भी होना, सिर्फ आपका डॉक्टर, वहाँ का अमला आपको दिल जोई से आपको तस्लीम करके आपको ट्रीट कर देना, यकीन करे आधा पेशेंट वहीं पे ठीक हो जाता है। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे इलाज आपको बेहतर मिलता है, आपको वहाँ का स्टाफ अच्छे तरीके से बात सुनता है, आपको वो ट्रीट करता है, ठीक है। जब आप इस तरह से लोगों को वेलकम करेंगे, उसको देखेंगे, आधा बंदा तो वैसे ही ठीक हो जाता है। सिंपल सी बात है, हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है, और जहाँ तक ज़रूरत वहाँ पर मौजूद स्टाफ की, इक्विपमेंट की है, तो वो भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वहाँ पे इक्विपमेंट वहाँ पे पहुँचाए, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमारी इस तरह की मशीनें हैं, एक्सरे है, आए रोज खबरें हम देते हैं, ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा एकदम है, अगर आम आदमी तक इसका फायदा पहुंच जाए हम इसको जरूर अप्रिशिएट करेंगे, अच्छी चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसके समरात गरीब तक पहुंचे चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं। अभी मौसम की सूरत हाल, अच्छा जी वीकेंड में मौसम कैसा रहेगा, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, लेकिन शाम में हमने अक्सर देखा कि आंधी चलती है, मौसम कदरे बेहतर हो जाता है। सो वीकेंड का मौसम कोमल हमें बता रही है, ओवर टू यू कोमल। ओवरऑल लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो अच्छा खासा मौसम गर्म और खुश्क है, और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम मज़ीद सख्तियाँ दिखाने वाला है। टेम्परेचर में सुबह के औकात में मामूल से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ गर्मी भी मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगी, जो कि शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। टेम्परेचर के हवाले से इस वक्त बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है, लेकिन इस वक्त जो कैफियत है वो यूँ महसूस हो रहा है कि टेम्परेचर जैसे 38-39 के करीब है। और महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो मज़ीद देखने में नज़र आएंगी, बारिशों से मुतलिक कोई भी पेशगोई नहीं की जा रही। और ना हम देखते हैं कि लाहौर में जब गर्द आलूद हवाएँ चलती हैं, ख़ासतौर पर जब शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला लाहौर शहर में दाखिल होता है, तो मौसम तो खुशगवार होता ही है, लेकिन उसके कुछ मनफी असरात भी देखने में नज़र आते हैं, ख़ासतौर पर जब गर्द आलूद हवाएँ लाहौर शहर का, जिस तरह कि हमने देखा कि पिछले 2-3 रोज़ से जो है वो उन्होंने लाहौर शहर का रुख किया था, हल्की फुल्की बारिश भी देखने में नज़र आई, उन्हीं दिनों में जो है वो एक मिट्टी के ज़रात भी फिज़ा में काफ़ी ज़्यादा शहरियों की सेहत पर मनफी असरात का बाइस बन रही थी, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को इस बात की भी ताकीद की जाती है कि मौसम तब्दीलियाँ तो दिखाते हैं, लेकिन मास्क का इस्तेमाल जो है वो हमें ज़रूर करना है, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल ना करने की वजह से इंसानी सेहत पर बहुत से मिज़र असरात देखने में नज़र आए हैं, और बहुत सी बीमारियों में शहरी मुब्तला भी नज़र आए हैं। इस वजह से जो है वो मास्क का इस्तेमाल करना है, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और इसी के साथ साथ ठंडे मशरूबात। ठीक है, थैंक यू सो मच कोमल ने हमें मौसम के बारे में बताया। इसके साथ हमारे आज के मेहमान जो हैं डॉक्टर हारून नबी, जैसा कि मैंने आपको शो के स्टार्ट में बताया था, हमने बात करनी है गर्मियों में जो स्किन के असरात हैं। डॉक्टर साहब को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। आप पता है लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे कि आप स्क्रीन पे नजर आए और लोगों को मशवरे दें, बहुत जरूरत है। इस दफा काफी ब्रेक आ गई। हाँ, ब्रेक भी आ गई, और फिर आपको पता है स्मॉग स्टिल, आज भी हमने बताया कि शहर लाहौर आलूगी में नंबर वन है। आप जितनी भी स्किन केयर कर लें, जितना भी लोग कहते हैं कि हम सनब्लॉक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हमारी स्किन जो है वो ख़राब हो रही है। सो गर्मियों में हमने स्किन की हिफाजत, सनबर्न जिन लोगों को हो रहा है, किस तरह से बचाव मुमकिन है? अच्छा, वैसे एक एक लकी बात है कि अल्लाह ने हमारा जो रंग बनाया है वो गंदमी है, जो कि लोगों को सख्त नापसंद है, लेकिन इस रंग की वजह से हमारी बहुत बचत हो जाती है,
और यहाँ हमारी स्किन के बर्न होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, इवन जो हमारे आउटडोर वर्कर्स होते हैं जो सख्त तेज़ धूप में और सख्त गर्मी में भी धूप पे काम कर रहे होते हैं उनमें भी बर्न बहुत कम होता है। अच्छा, हाँ टैन ज़रूर हो जाता है कि कलर ज़रा टैन हो जाए। यूनिवर्सिटी और जितनी लड़कियाँ हैं उनका मसला ही ये है कि वो टैन को भी बर्न बना देते हैं। डॉक्टर साहब, हाथों का रंग जब बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है, मुझे ये आप प्रॉब्लम देती है ना, ड्राइव करें तो हाथों का रंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल आपने इसके लिए एक सबसे अच्छी तरीका ये है कि सनब्लॉक, हैट जी और हाथों में वाइट ग्लव्स, ये ड्राइव करते हुए अपनी रूटीन बना लें। ठीक है, वरना एक मेरी पेशेंट ने कल ही मुझे आके ये कहा कि ये जो मैं डिफरेंट कलर्स की हो जाती हूँ गर्मियों में और एक्चुअली ऐसा ही होता है। उसने बड़ा अपना नाम मुझे बताया कि जी अब मैं तिलियर की तरह मेरा रंग हो गया और इसका कुछ करें। तो मैंने उसे कहा कि आप डिफाइन करो, तो उसने कहा जी कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ और मेरा रंग देखें, चेहरे का अलग है, गर्दन का अलग है, हाथ का अलग है। तो ये डिफरेंट रंग जो है सनलाइट में टैनिंग की वजह से होते हैं और इस टैन को बचाने का सबसे आसान तरीका सनब्लॉक। और सनब्लॉक जब आपने धूप में ज़्यादा जाना हो तो 50+। ठीक है, और कोशिश करें कि अगर लड़कियां तो ऊपर बेस लगाएं तो वो 50+ से भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब एक गर्मियों में हमारे यहाँ ज़रा हैट का रिवाज बहुत कम है और लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, या अम्ब्रेला ये वो ले सकती हैं, और हाथों की प्रोटेक्शन के लिए वाइट ग्लव्स। और हमारे इधर तो वैसे चूँकि वो ख़वातीन को दुपट्टा या इस तरह की चीज़ रखती हैं, ये भी एक किस्म की फ़ोटो प्रोटेक्शन ही होती है। ठीक, मतलब ये फिज़िकल बैरियर। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल स्मॉग आलूदगी फिज़ा में ये जो ये भी हमारी स्किन को मुतासर कर, यकीनी तौर पे, और इसका भी हल एक सनब्लॉक ही है। एक सनब्लॉक अच्छा लगाओ और अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लेना शुरू कर दें, और जिस तरह विटामिन सी एक अच्छी ऑप्शन है हमारी स्किन पर लगाने के लिए, रेटिनॉल एक अच्छी ऑप्शन है, और खाने के लिए विटामिन सी या कोई अच्छा एंटीऑक्सीडेंट अगर लेना शुरू कर दें तो उससे कम से कम ये जो एनवायरमेंटल डैमेजेस हैं फ्री रेडिकल की वजह से उससे बहुत बचत हो जाती है। सही, सो ये आपकी स्किन की केयर है गर्मियों के लिए जो डॉक्टर साहब ने बताई। अब कुछ लोगों को फेस पे पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग बहुत होती है फेस पे, हाथों पे, पाँव पे, लेकिन सबसे पहले आप फेस केयर बता दें अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है तो। फेस पे स्वेटिंग के लिए ये है कि हमारे पास अभी सिर्फ जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है बोटॉक्स। ठीक है, और उसके लिए माथे के लिए हम नॉर्मल बोटॉक्स करते हैं और चेहरे पे बेबी बोटॉक्स कर लेते हैं। और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम स्पेशली गर्मियों में ज़्यादा होती है कि ज़रा सी हॉट स्पाइसी फूड लेते हैं तो उनके चेहरे पे पसीना आना शुरू हो जाता है। और इसी तरह ही हाथों के लिए और अंडर आर्म्स के लिए और पाँव के लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है जो हमारे पास अवेलेबल और वो है बोटुलिनम टॉक्सिन या इंजेक्शन बोटॉक्स। और इसको हाथ में और अंडर आर्म्स में लगाने से ये एक ट्रीटमेंट का इफेक्ट 6 से 8 माह रहता है। अच्छा, तो मेरे जितने भी पेशेंट इफेक्टिव है। जी, तो मेरे जितने भी पेशेंट हैं जो स्पेशली इस मर्ज में शिकार हैं, यानी एक सीज़न तो गर्मियों का एक सीज़न बड़ा अच्छा निकल जाता है, एक सीज़न बहुत अच्छा निकल जाता है। और इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम इस सीज़न में अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट करूं, क्योंकि इससे स्पेशली जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको पेपर में बड़ा मुश्किल होता है। एग्ज़ाम में उनको कहते हैं हमारे पेपर गीले हो जाते हैं, ये बच्चे किसी से हाथ मिलाते हुए शाये होते हैं। इसके लिए कोई एज ग्रुप की लिमिट नहीं है, कोई सब लोग करा सकते हैं। और जो बड़े होते हैं अक्सर उनके हाथ में या तो वो रुमाल होता है या फिर उनके हाथ में टिश्यू। आपने किसी से मिलना तो मिलाना हो आपको एम्बैरेसमेंट फील होती है। आप किसी इवेंट पे गए हो अगर आपके अंडर आर्म्स में इस तरह मुसलसल स्वेटिंग हुआ आपको अच्छा वो कपड़ों में इस जगह स्टेनिंग हो जाती है ऐसे ही है ना, और वो अच्छा साफ नजर आता है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल होता है हर पेशेंट आपसे भी करता होगा कि अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसका साइड इफेक्ट सिर्फ मेरे हिसाब से 2 है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ठीक है, और दूसरा जो है जो इसका पेन होता है वो हम बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। और वो मैनेज कैसे करते हैं कि हम एक तो नमिंग जेल लगा लेते हैं। ठीक है, और दूसरा इसके अलावा हम साथ साथ एक क्रायो पेंगुइन टेक्निक है और उससे हम साथ इसको हाथों को फ्रीज कर देते हैं तो उससे पेन में बहुत कम हो जाती है। और ये पेन सिर्फ हार्डली अगर कहें कि 5 मिनट का है, लेकिन अगर आपके
10 मिनट भी लगा लें, अगर 10 मिनट के पेन में पूरे सीजन में आपको रिलीफ मिल गया, पूरे सीजन का रिलीफ मिनट में आपको, तो आपके 10 महीने अच्छे गुजर जाएं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्थ द टेकिंग पेन है। सही। अब कुछ लोग कंसर्न है कि जी मैं डायबिटिक हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? आमतौर पर इसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल बोटॉक्स बहुत टाइम टेस्टेड और सेफ ट्रीटमेंट है। ठीक है, और FDA प्रूव भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी सेफ्टी तो चेक्ड है। लेकिन आई मस्ट से मैं आपको यहाँ पे ज़रूर सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं अभी ऑफ द कैमरा डॉक्टर साहब से ये कह रही थी कि हर किसी ने मशीन्स रखी हैं और हर कोई ये चीज़ें ऑफर कर रहा है, तो प्लीज़ मुस्तनद डॉक्टर के अलावा। मैं ये तो हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि ये बड़े सेंसिटिव काम होते हैं, जो एस्थेटिक का काम है, तो इसका एक मैंने कल बड़ा अच्छा एक कोट देखा कि डोंट गैम्बल विद योर फेस और विद योर लुक्स, ट्रस्ट ओनली ए ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट प्लास्टिक सर्जन। तो इसके लिए जो है ना, मैं तो आपको कहूँगा जो जिसका काम है ढूंढ के उसके पास जाएं। हर शहर में अब मुस्तनिद डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट इस काम के लिए मौजूद हैं, प्लास्टिक सर्जन मौजूद हैं, ढूंढ के उनके पास जाएं, क्योंकि बाद में अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको ठीक करना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है, खुद डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल ये चीज़। तो इसलिए उसमें यह है कि जिस तरह कपड़ा लेते हुए आप 10 दवा छान पटक करते हैं कि कैसा है कौन सा है, तो इस काम के लिए भी अगर के मामले पे तो कॉम्प्रोमाइज करना भी, इट्स योर फेस, बिल्कुल आपने, इट्स योर फेस, इट्स योर हेयर, इट्स योर हैंड्स, तो बी केयरफुल। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि मुस्तनिद डॉक्टर से गलती नहीं होती, गलती के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये गलती हो गई तो वो उसको करेक्ट भी कर लेगा, जबकि जो लोग इस चीज़ के लिए मतलब जंप इन कर रहे हैं, जिनको इसका पता ही नहीं, या जो मशीनें लेकर बैठ गए, तो वो आपको हर तरह का नुकसान दे सकते हैं। आपने सही कहा, मोटापे के खात्मे की तरफ हमने आना है, क्योंकि ये जो आपके पेट पे हम देखते हैं एक्स्ट्रा चर्बी होती है, गर्मी में आपको ये भी तंग करती है, सो आपके पास इसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त मशीन्स मौजूद हैं। बताएं, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से और कैसे इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, सभी लोग करा सकते हैं क्या, किसी एज ग्रुप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं? अच्छा, अब जो दुनिया भर में सबसे टॉप मोस्ट ट्रीटमेंट है स्पेशली फॉर बॉडी कंटूरिंग, उनमें सबसे नंबर वन पे आजकल है एमस्कल्प्ट नियो। एमस्कल्प नियो जो है, इसमें एक वक्त में ही आप फैट रिडक्शन भी कर सकते हैं और मसल टोनिंग, यानी वो जो महीनों वाली डाइटिंग और डाइट प्लान और ये, लेकिन एक बात याद रखें, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप डाइटिंग नहीं करेंगे। अच्छा। आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे और खाते रहेंगे और आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जितने भी ये डिवाइसेस हैं, क्योंकि मैं लाइपोसक्शन भी करता हूँ, मैं लाइपोसक्शन के लिए वो कोई पेशेंट नहीं लेता जिस जो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए तैयार ना हो। यानी मेहनत तो आपको फिर भी मेहनत यानी मेहनत ये सिर्फ छोटी सी है कि आप अपनी डाइट कंट्रोल करें, चेंज इन लाइफस्टाइल, थोड़ी सी वॉक, थोड़ी सी एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हर सूरत आपको करनी, उसके बगैर एक फिट बॉडी के हसूल मुमकिन ही नहीं। मतलब ये है कि देखिए, लाइपोसक्शन इज मिनिमली इन्वेसिव, कि छोटा सा एक कट तो लगता ही है और हम फैट निकाल के पेशेंट के उसी वक्त हवाले कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो उसको मेंटेन नहीं करेंगे डाइट के साथ तो और एक्सरसाइज के साथ तो दोबारा वापस आ जाएगी। इसी तरह ये जो नॉन इन्वेसिव बॉडी कंट्रोलिंग ट्रीटमेंट्स हैं, तो इनको अगर आप देखें तो इनका भी यही है। डॉक्टर साहब, इनका प्रोसीजर मुझे बता दीजिएगा, मैं क्योंकि हम दिखा भी रहे हैं अपने नाजरीन को, तो इनका प्रोसीजर बता दीजिएगा क्या है। आयशा को मैं कहूँगी, ये जो अभी आप देख रहे थे कि मेरे हाथ में हैंड पीस था बड़ा सा और वो बॉडी ये वाला एमस्कल्प नियो, और एमस्कल्प नियो जो है बेसिकली इसको हम आप अगर कहें तो हर बॉडी के पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, टारगेटेड एरिया, टारगेट, लेकिन टारगेटेड एरिया, जनरलाइज्ड ओबेसिटी में इसका कोई रोल नहीं है। आपको किक स्टार्ट चाहिए, आप जिम स्टार्ट नहीं कर सक रहे, आपको लगता है कि मैं मेरा कुछ नहीं बन सकता, या इवन अगर आप बहुत एथलेटिक हैं और आपकी कुछ फैट पॉकेट्स रह गई हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए एमस्कल्प नियो हमारे पास एक बेहतरीन डिवाइस है। और एमस्कल्प नियो से और पहले ये होता था जिससे हम फैट फ्रीजिंग करते थे, लेकिन उससे मसल पे हम कोई काम नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास एमस्कल्प नियो की शक्ल में जो नया डिवाइस आया है,
उसका ये फ़ायदा हो गया है कि साथ आप फैट को भी कम कर रहे हैं और साथ ही मसल्स को भी बिल्ड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कितने सेशन लेने पड़ते हैं इसके? आमतौर पे इसके जो रिकमेंडेड सेशन है वो 6 to 8 है। ठीक है। और उसमें आपका कितना वेट कम होता है, कितना फैट कम? फैट कम होता है। फैट कहाँ कम होगा? ट्रीटेड एरिया में। ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ये समझने लग जाएं कि ट्रीटमेंट पेट पे हो रहा है और बाकी जिस्म की फैट। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपके वेट पे भी, क्योंकि हमारे पास कुछ लोगों का माइंडसेट है ना कि आपने अगर फैट कम कर दिया, वेट क्या, वो तो वहीं का वहीं है, तो ये क्या हुआ? नहीं, देखिए फैट का वजन बहुत कम होता है, स्पेशली जो सबकुटेनियस फैट है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, जो सबकुटेनियस फैट रिमूवल है, चाहे वो नॉन इन्वेसिव हो विद दीज एमस्कल्प नियो या फैट फ्रीजिंग, तो उसका वेट पे नहीं असर होगा, उसका शेप पे असर होगा। अच्छा जी, इसके बाद केयर क्या करनी पड़ती है? हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात की, क्या फिर आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है? बिल्कुल यकीन नहीं। खाने वाली मेडिसिन भी आप रिकमेंड करते हैं? मैं उस पर बिलीव नहीं करता। हालांकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हालांकि इस बात को डिस्कस करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए, और आजकल मार्केट में एक इंजेक्शन आए हुए हैं जो कि FDA ने पहले अप्रूव किए थे शुगर के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, लेकिन फिर पता लगा कि इससे वेट रिडक्शन भी बहुत अच्छी होती है। और FDA ने तकरीबन 12 साल के बाद कोई अगर मेडिसिन अप्रूव की है फॉर वेट मैनेजमेंट, वो ओजम्पिक और सक्सेंडा के नाम से, लेकिन ओजम्पिक ने सबसे ज़्यादा दुनिया में तहलका मचाया कि इवन ये भी प्रॉब्लम हो गया कि ओजम्पिक डायबिटिक पेशेंट्स को कम मिल रही थी और जो वेट मैनेजमेंट वाले पेशेंट्स हैं वो इसको ज़्यादा ले जाते हैं। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जनरलाइज्ड वेट लॉस हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका मिसयूज़ बड़ा होने लग गया कि हर ये सिर्फ ओबेज पेशेंट्स के लिए है। जो मोटे लोग होते हैं, हाँ। जो ओवर वेट होते हैं, लेकिन अब मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि जी मैंने 2 pounds वज़न गिराना है, मुझे कहीं से ये 2 टीके ओजम्पिक के कहीं से मंगा दें, अरेंज करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज करें, तो ये 2 pounds कुछ नहीं है। इन इंजेक्शंस को मॉर्बिड ओबीज लोगों के लिए रहने दें, इन इंजेक्शंस को डायबिटिक्स के लिए रहने दें, लेकिन क्योंकि दुनिया भर का ट्रेंड है, सोशल मीडिया में आप कहीं देखेंगे ओजम्पिक, और मैं कहता हूँ बच्चे बच्चे को पता है, ऐसे और इवन कंपनी के लिए इतने इंजेक्शन प्रोड्यूस करना मुमकिन नहीं रहा। अब ट्रेंड जो चल गया कि आप स्लिम और स्मार्ट नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब माजद के साथ वक्त कम है, देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखने वालों को आज का मैसेज तो यही दूंगा कि अगर आपने अपना वेट कम करना है तो आप चेंज इन लाइफस्टाइल लेके आएँ, अपने लिए डाइट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज की हैबिट बनाएँ, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है या आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करना चाहते हैं, वेट कम के साथ ना उनके स्किन कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनके बाल कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो ये जो चीजें हमने डिस्कस की हैं इसमें आपके लिए ये ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट एडअप, मतलब चेंज इन लाइफस्टाइल नंबर 1, और चेंज इन डाइटरी हैबिट, एक्सरसाइज, और नंबर 3 कि अगर आपको एडिंग टूल चाहिए तो एमस्कल्प नियो इज द बेस्ट। ये आपने अपना जो है डॉक्टर साहब ने रिकमेंडेशन दी है उन लोगों के लिए जो वेट कम करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि उनकी स्किन बाल कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आप लोग अपने अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करें अगर आप इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट चाहते हैं। ये सबसे ज़रूरी एक होम मैसेज कि कुछ भी करना है तो अपने डॉक्टर के क्रेडेंशियल ज़रूर चेक कर लें, कि क्रेडेंशियल्स का मतलब है कि कम अज़ कम फैलो तो ज़रूर हो, कॉलेज ऑफ फिजिशियन के FCPS किया है, MCPS है, MD है, तो कम से कम ये डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हैं, इससे बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं हो सकती है। सो आप ज़रूर मुस्तनद डॉक्टर से रابطہ करें और स्किन बालों के मामले में, अपनी बॉडी शेप के मामले में आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ प्लीज़ ना करें, क्योंकि बाद में जो नुकसान होता है वो भुगतना आपके लिए भी मुश्किल होता है और आपके डॉक्टर के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मेहमान नरेश पाशा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गुलकार हैं, और आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त इन्होंने गाया। अच्छा जी, हमेशा हम जो लोग अपनी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, महारत रखते हैं, उनको आपसे मिलवाते हैं, उनके टैलेंट को सराहते हैं, सुनो रेस से जानेंगे। और इस कब स्टार्ट की आपने सिंगिंग? सिंगिंग बचपन से ही है मेरी, बिकॉज मुझे शौक था, पैशन था, एंड आई फाइंड इट कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, तो मेरा बचपन से इसमें शौक था, इवन स्टडीज भी मैंने बचपन से कवर किए, तो ये बचपन से ही चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम किसी से सीखा भी, कोई इंस्पिरेशन था?
किससे सीखा नहीं है बिल्कुल भी, ये सब कुछ एक इनबिल्ड होता है, गिफ्टेड होता है, वो था। और इंस्पिरेशन कौन है जिसको आपने देखा और कहा कि बस मैंने अब इंस्पिरेशन? वो तो आपको पता है पाकिस्तान में तो आतिफ असलम होते हैं, हर एक यूथ की एक इंस्पिरेशन वही रहे हमेशा। तो उसके बाद अगर इंडियन में चले जाएँ तो वो अरिजीत होते हैं। तो ये दोनों इंस्पिरेशन रहे हमेशा से। सही। सो अब मुझे ये बताइएगा क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे गुलकार ही कहते हैं पाकिस्तान में उस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। बिल्कुल। सो लेकिन सोशल मीडिया आपके लिए आजकल बड़ा एक मेन हिट पॉइंट है। बिल्कुल। फ्यूचर प्लान्स मेरे यही हैं कि आई एम पैशनेट अबाउट इट, बट आई हैव फर्दर गोल्स। और मेरे कुछ गोल्स ऐसे भी हैं जो कि लाइक मेरे कुछ हायर गोल्स हैं, इन सेंस कि मैं ब्यूरोक्रेसी में भी जाना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपने म्यूजिक को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ग्रेट। एंड मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी तो आई डेफिनेटली अवेल इट। और अदर देन दैट मेरा कुछ जो फ्यूचर प्लान है वो मेरे कुछ हैं। चलिए, दैट्स रियली ग्रेट। हम आपको गुड लक भी कहना चाहेंगे। वक्त हमारे पास कम है, हम चाहेंगे कि क्योंकि वीकेंड है सो जाते जाते हैं आपने अब गिटार के बगैर हमें कुछ गुनगुनाते सुनाना है। जी अच्छा, गिटार के बगैर तो कुछ अर्सा पहले मैं एक बुले शाह का कलाम सुन रहा था, तो वो आपको मैं सुनाता हूँ। जरूर नॉरिश, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे ताकि जो आपके प्लान हैं वो आप जिस तरह से प्लान कर रहे हों वो फुलफिल हों और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। नाज़िन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।